पुलवामा के शहीद जवानों की पहली बरसी पर ऑटो चालक संघ द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष समरोज खान, पूर्व अध्यक्ष खलील अहमद, शहजाद मंसूरी, शाहिद जोनवाल, विनोद जटिया, सुरेश जटिया, इमरान बेली, अरबाज, अमनदीप चावला, रौनक सिंह, तेईस शाह, तूफान सिंह, मुसाहिद आशीष पोरवाल सभी ऑटो चालक संघ के सदस्य मौजूद थे। में जो शहीद हुए हैं उसके लिए जो ऑटो इंस्पेक्शन वालों ने काम किया है, ये नागदा के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसके लिए ये बहुत ही बधाई के पात्र। 14 फरवरी को हमला हुआ था, उसमें हमारा शहीद जवान हुए थे 40 जवान। उसके लिए हमने ऑटो चालक संघ, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड वाले और सभी नागदा ऑटो चालक संघ और नागदा ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड के सभी व्यापारियों ने जो सहयोग दिया, इसका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी जवानों के परिवार को परवरदिगार आलम खुश रखे, आबाद रखे और उनका आयु हर परेशानी आफत बनाओ खत्म करें। और जिस तरीके से हम ऑटो चालक संघ हर से ऐसा कार्य करते रहते हैं, आज जो नागदा में माहौल है या पूरे देश में माहौल चल रहा है, जैसे आज हमारा सब सिख भाई, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में अच्छे तरीके से रहते हैं, देश की जनता से भी यही आह्वान करूँगा कि इसी तरीके से भाईचारा बना के रखें और देश को आगे बढ़ने में कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। नागदा की जनता के लिए, हर जगह की जनता के लिए भाई बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे, उन लोगों को मन से श्रद्धांजलि दी है हमारे सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।